हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लो स्कूल। तो टारगेट क्लैक 2023 का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में जो सिलेबस है वो चेंज हुआ था, जिसमें अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना शुरू हो चुका है, जिसमें आपको पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर ये कह सकते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं है, इवन आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं। तो आज से ही हम शुरू करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ताकि एग्जाम तक आप बिल्कुल अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए आपके अपने एग्जाम में। तो टोटल आपको 15 एमसीक्यू मिलेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन से, जिसमें 15 के 15 जो एमसीक्यू होंगे वो पैराग्राफ बेस्ड होंगे। तो ऑलमोस्ट आपको 3 पैराग्राफ मिलने वाले हैं, और हर पैराग्राफ के नीचे हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ये डीआई बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी पैराग्राफ की फॉर्म में, और उसके नीचे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, वैल्यूज निकालनी है वहां से और अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो डायरेक्शंस में है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, तो ये पूरे के पूरे हमारे पास डायरेक्शन है। हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यूज और आगे चल के फिर क्वेश्चंस के, जैसे ये क्वेश्चंस है हमारे पास, इनके आंसर करने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके हमने आंसर करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास फिर। तो ये रहा हमारे पास पैराग्राफ। ये क्लास देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पहले लास्ट क्लास जरूर देखें। उसमें मैंने बेसिक्स डिस्कस किए हुए हैं, बेसिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो बेसिक क्लास जरूर देख लीजिए, आपको परसेंटेज का और रेशियो का थोड़ा बहुत इसमें आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद ये वाली क्लास देखना आप शुरू करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि डेटा गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द कॉलेज लाइब्रेरी विच इज 24,000। आपको एक लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है जिसमें टोटल 24,000 बुक्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल 24,000 बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला गया है, बोला गया है रेशियो ऑफ द मेडिकल, मेडिकल में क्या है बीडीएस एंड एमबीबीएस, टू द नॉन मेडिकल बुक्स इज 7:9। तो दो तरह की बुक्स है यहाँ पे, एक मेडिकल बुक्स है और एक नॉन मेडिकल बुक्स है, और उनमें रेशियो क्या है 7:9, ठीक है। तो अगर 7:9 मेरे पास यहाँ पे बन रही है बुक्स मेडिकल और नॉन मेडिकल की, तो बेटा यहाँ पे मेडिकल की बुक्स कितनी होंगी, 7 out of 16, है ना। या फिर ऐसे करो कि 7:9 है तो टोटल बुक्स कितने हैं बेटा, 16 है, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 24,000। तो वन पार्ट कितना होगा हमारे पास जी, वन पार्ट होगा 16 into 15, 240 होता है ना 1500, तो यहाँ पे भी इंटू 1500 कर दो और यहाँ पे भी इंटू 1500 कर दो। अगर ये चीज आपको समझ आई है जो मैंने अभी करी है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज फिर आपने कैसे करना है, क्योंकि इतना टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, वही आपके लिए बहुत होंगे, एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेंगे। तो अगर मैं मेडिकल की बात करता हूं तो मेडिकल में 7 books out of 16, टोटल बुक्स कितनी है रेशियो में 7 by 7 plus 9 16, तो 7 by 16 ऑफ किसका होगा 24,000। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो 1500 से कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आएगा 10500। तो मेडिकल में जो बुक्स है बेटे वो कितनी बुक्स है हमारे पास, 10,500 बुक्स है। और नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें, जो नॉन मेडिकल की बुक्स होंगी That will be equal to 24,000 minus 10,500, that is 13,500। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया है, अब इस लाइन को दोबारा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ द टोटल मेडिकल बुक्स द नंबर ऑफ बुक्स फॉर एमबीबीएस आर 10% मोर देन द बुक्स अवेलेबल फॉर बीडीएस। कह रहा है कि जो मेडिकल की बुक्स है ना, इसमें जो बीडीएस की बुक्स है, सॉरी जो एमबीबीएस की बुक्स है, वो 10% ज्यादा है किससे, BDS की बुक्स के, ठीक है जी। तो 10% ज्यादा का मतलब क्या होता है कि अगर BDS की जो बुक्स हैं अगर वो हो जाए 100, तो MBBS की कितनी हो जाएंगी हमारे पास 110, ठीक है। तो यहां से अगर मैं रेशियो देखता हूँ बच्चे, तो रेशियो कितना आएगा हमारे पास 11:10, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितनी बुक्स है हमारे पास MBBS की, तो 11 बुक्स है आउट ऑफ 21। टोटल कितनी बुक्स है मेडिकल की, 11 plus 10 21, तो 11/21 बुक्स आपको मिलेंगी एमबीबीएस की, और ये 11/21 किसका होगा 10,500 का, क्योंकि टोटल मेडिकल बुक्स कितनी है 10,500।
तो यहाँ पे मैं अगर ये सॉल्व करता हूँ तो 21 गुना 5 होता है 105, ठीक है। तो 11 गुना 5 कितना हो गया 5500। तो यहाँ से मैं और इसको बाइफरकेट कर सकता हूँ, इसमें मेरे पास एमबीबीएस की बुक्स आ जाएंगी जो कि कितनी आ रही है 11 गुना 5 55, यानी कि 5500, ठीक है। और बीडीएस की बुक्स कितनी आ जाएंगी यहाँ पे 5000। तो आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा और यहां तक आपने इजीली इसको पढ़ भी लिया होगा। तो आधा क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, मेडिकल की बुक्स का हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से हमने इसको करा है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करने वाला हूं अब। नेक्स्ट लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि नॉन मेडिकल बुक्स कंसिस्ट ऑफ बुक्स फॉर मैनेजमेंट, बुक्स फॉर मैनेजमेंट, इसमें क्या है मैनेजमेंट की बुक्स है, उसके बाद है इंजीनियरिंग की बुक्स, उसके बाद है डिप्लोमा की बुक्स, और उसके बाद है इसमें बीएससी की कोर्सेज की बुक्स। तो मतलब यहाँ पे टोटल 4 तरह की बुक्स है, जो 13,500 13,500 बुक्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड बीएससी कोर्सेस, ठीक है। तो यहां तक तो भाई हमें पता चल चुका है कि भाई 4 तरह की बुक्स है, 4 टाइप्स ऑफ बुक्स है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, 36% ऑफ द टोटल मेडिकल बुक्स आर फॉर डिप्लोमा एंड बीएससी कोर्सेस। जो टोटल हमारे पास बुक्स है 13,500, उसका 36% जो है वो किसके बराबर है, डिप्लोमा प्लस बीएससी। तो डिप्लोमा प्लस बीएससी अगर देखें तो 36%, यानी कि 36% बनता है किसका, 13,500 का। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो 36 × 5 180 होगा, 18 कैरी, 36 × 3 108 + 18 126, 12 कैरी, 13 × 1 36 + 12 48। तो मतलब ये बुक्स आ गई हमारे पास डिप्लोमा प्लस बीएससी की, डिप्लोमा प्लस बीएससी, इन दोनों का सम कितना है 4860 है, ठीक है। ये हमें बता दिया इसने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एंड आउट ऑफ दिस, और इनमें से ये जो 4860 है इसमें से 44 4/9% आर फॉर बीएससी कोर्सेस। इसमें से 44 4/9% क्या है, बीएससी कोर्स के लिए। अब ये 44 4/9% को कैसे सॉल्व करें, देखो बच्चे आपको एक चीज लिखवाई थी लास्ट क्लास में, 11 1/9%, इसका फ्रैक्शन इक्वलेंट कितना होता है 1/9। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या बन जाता है 1/9। तो अगर आपको 44 4/9% चाहिए तो इंटू फोर करेंगे, इंटू फोर करेंगे कितना हो जाएगा 4/9, और इधर 44 4/9 आ गया कि नहीं अपने आप ही। तो 44 4/9% को जब आप सोल्व करते हो तो ये कितना बनता है 4/9 बनता है। तो 4/9 अगर मैं इसका करता हूं तो 9 × 5 45, 3 कैरी, फिर 4 से कैंसिल, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो 0, 4 × 4 16, 6 1 पांचों का 20 और 1 21, यानी कि आउट ऑफ द टोटल बुक्स 44 4/9 यानी कि 2160 जो है वो बीएससी कोर्स की है। तो ये बीएससी कोर्स की बुक्स आ गई 2160, ठीक है। अब 4860 में से अगर मैं 2160 माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएंगी यहाँ पे, डिप्लोमा वाली बुक्स, और डिप्लोमा वाली बुक्स कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे 2700, ये लिख दिया मैंने 2700, ठीक है ना, माइनस करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहां तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मैं चाहूंगा साथ साथ नोट करते रहे, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो इस चीज को, क्योंकि मैं इसको इरेज करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चे, कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर मैनेजमेंट टू द नंबर ऑफ बुक्स फॉर इंजीनियरिंग इज 21:27, 21:27, ठीक है। और ये कौन कौन सी है, मैनेजमेंट और सॉरी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टू द बुक्स ऑफ इंजीनियरिंग, हाँ जी मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की बुक्स है। अब देखो बच्चे कि 4860 तो ये हो चुका है, 4860 इन दोनों का सम आ चुका है, बाकी इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 13,500 में से मैं क्या करूंगा 4860 माइनस कर दूंगा, तो कितना बनेगा ये 0 4 6, जो 12 हो जाएगा ना तो 8 8640 बनेगा। मतलब इन दोनों का सम क्या है 8640 है। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बुक्स देखूं तो मैनेजमेंट की बुक्स कितनी है 21 आउट ऑफ 48, टोटल कितना यहाँ पे 48 है, तो 21 बुक्स है मैनेजमेंट की टोटल 48 में से, और ये किसका है 8640 का। तो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो 7 3 21 16 3 48 हो गया, ठीक है। अब 16 का टेबल अगर मैं यहां पढ़ता हूं तो 16 × 5 होता है 80,
और 16 × 4 होता है हमारे पास 64। बाकी 7 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट की बुक्स आ जाएंगी यहाँ पे। कितनी आएंगी देखो, 0 का 0 आ जाएगा, 7 × 4 28 होके 2 आएगा यहाँ पे, 7 × 5 35 प्लस 2 37, ये आ गई मैनेजमेंट की बुक्स। ठीक है, और बाकी इंजीनियरिंग की बुक्स कितनी होंगी, 8640, इन दोनों का सम कितना था 8640, तो 8640 से 3780 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 8640 से 3780 हम माइनस कर देंगे 0, 6 जो 5 है तो 15 का 8 हो जाएगा, ये 7 है तो ये 4 हो जाएगा, 4860। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा क्वेश्चन बनेगा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, मैं आपको इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि क्लैट की डिमांड है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, तो उसी से ही शुरू करेंगे हम, बिल्कुल स्टार्ट ही वहीं से करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन चुका है पूरा टेबल, अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस के देंगे हम आंसर। ठीक है जी, अब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्पीड अप ज्यादा होती रहेगी, टाइम स्क्वीज होता रहेगा। अब देखो, टोटल आई थिंक अभी 10-11 मिनट की वीडियो हुई है, जिसमें 2 मिनट इंट्रोडक्शन क्लास थी, बाकी समझाने में आपको टाइम लगा है, तो लगेंगे इसको 4 से 5 मिनट ही बनाने में। लेकिन अगर एक बार ये बन गया तो फिर 5 नंबर आपके फ्री के आगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन देखो एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर इंजीनियरिंग कोर्स इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर बीडीएस कोर्स। तो एक तरफ इंजीनियरिंग, एक तरफ बीडीएस, तो भाई इंजीनियरिंग की कितनी है 4860 और बीडीएस की कितनी है 5000, तो भाई बस सिंपल सी बात है 4860 और ये यहाँ पे कितना है 5000। आपसे पूछा होगा कि कितनी ज्यादा या कम है, माइनस करेंगे 140 आंसर आ जाएगा, माइनस करना है बस, 140 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर एमबीबीएस प्लस डिप्लोमा, एमबीबीएस प्लस डिप्लोमा, और रेशियो किसके साथ है, नंबर ऑफ बुक्स पर मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। अब मैनेजमेंट प्लस इंजीनियरिंग है, ठीक है जी। अब देखो बेटा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का तो सम हमें पता है, ये रहा 8640, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का सम कितना था 8640 था, तो मैं यहाँ पे 8640 डायरेक्ट लिख देता हूँ। और एमबीबीएस और डिप्लोमा की अगर मैं बात करता हूँ, तो एमबीबीएस 5500 है, डिप्लोमा 2700 है, 5500 और 2700 कितना होता है, 5 2 7, 7 5 12, 8200। ठीक है जी, बस इसको आपने अब सॉल्व करना है बच्चे, इसको आपने अब सॉल्व करना है। जैसे 0 से 0 कट गया, अब 4 का टेबल पढ़ो एक बार, 205, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 216, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आर आंसर। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर एमबीबीएस। अब एमबीबीएस में बेटा 5500 बुक्स हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट का अभी देख लेते हैं, मैनेजमेंट में बुक्स कितनी है 3780 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कितनी ज्यादा या कम है, कितनी ज्यादा या कम है, तो ऑब्वियसली ये तो कम है, पर कम कितनी है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूं तो ऑलमोस्ट 1720 कम होंगी, है ना। देखो, अगर ये 3800 होता तो 12 और 5 1700 कम होनी थी, लेकिन 3780 है तो 1720 कम है इससे 5500 से, और प्रतिशत कैसे निकालेंगे, into 100 करके। ठीक है, तो ये टाइप आपको करवाई हुई है ना, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, वो वाला टाइप है ये। ठीक है, तो जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर ही जाओ आप। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 11 से कैंसिल हो गया, बन गया क्वेश्चन 11, तो हर जगह ही है वैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 2 4 4 और 3। ठीक है जी, 344/11, इसको अगर आप सोल्व करते हो, 11 × 3 होता है जी 33, 11 × 3 33, 1 कैरी, फिर 11 × 1 11 और 3/11%, तो 31 3/11% रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, 31 3/11% रहेगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग बुक्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडिकल बुक्स इन दी लाइब्रेरी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की बुक्स देखें कितनी है जी, 8640 है ना, 8640 है। टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडिकल बुक्स इन द लाइब्रेरी। मेडिकल की बुक्स कितनी थी, आई थिंक 10,500 थी मेडिकल की बुक्स,
टोटल मेडिकल बुक्स कितनी थी? 10,500। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,500। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी वाली टाइप है ये। बस ये इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा जितना कैंसिल होता है बच्चे उतना कैंसिल करते रहो साथ साथ। ये 21 से कैंसिल और ये 20 से, सॉरी 2 से कैंसिल, सॉरी 5 गुना 2 10, 21 5 105। अब और देखो कुछ अगर कैंसिल हो रहा होगा, 3 का टेबल आई थिंक 6 4, हाँ बिल्कुल 3 से भी कैंसिल हो रहा है ये। तो 3 × 2 होगा 6, फिर 2 बचा 8, फिर 2 बचा 8, तो 576/7 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, 7 गुना 8 होता है जी 56, 7 × 8 56, 1 कैरी 7 × 2 2/7%। हाँ जी ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, यही इस सवाल का क्या होगा जी जवाब। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 82 2/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स फॉर बीडीएस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड इंजीनियरिंग बीएससी एंड डिप्लोमा टुगेदर कोर्सेज। अब आपसे क्या पूछा गया, डिफरेंस प्लस माइनस करना है। एक तरफ ये वाली बुक्स लिखो, एक तरफ दूसरी वाली बुक्स लिखो, उनको माइनस कर दो, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी इसका आंसर करें, कमेंट्स में आप सभी इसका आंसर करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपने खुद सोल्व करा है इसको, माइनस प्लस किया है और आपका ये आंसर आया है। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे होगी। ये देखो ये रही इन्फॉर्मेशन हमारे साथ। ठीक है, यहाँ से आपने वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ध्यान से आपने समझना है कि लिखा क्या हुआ है। जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसी तरीके से हमें इसमें चलना होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो तरह के हमारे पास मेन मेन वैरायटीज बन रही थी। हायरार्की दो तरह की थी, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल, फिर मेडिकल के नीचे बीडीएस एंड एमबीबीएस और दूसरी तरफ डिप्लोमा मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड बीएससी कोर्सेज थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ अलग चीजें होंगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ईच ऑफ टू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स ए एंड बी सोल्ड 5 आइटम्स। अब क्या बोला उसने कि दो स्टोर्स है ए और बी और वो 5 आइटम बेचते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनेगा बच्चे टेबल। पहला क्या था, हायरार्किकल मॉडल था हमारे पास। ठीक है, अब ये दूसरा जो क्वेश्चन आएगा इसमें टेबुलर मॉडल बनेगा, टेबुलर ग्राफ बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, ए और बी दो स्टोर्स हैं। ठीक है, अब इन स्टोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 5 आइटम्स सेल हो रही है, मोबाइल लैपटॉप एसी फैन प्रिंटर। ठीक है जी, मोबाइल लैपटॉप एसी फैन प्रिंटर। ठीक है जी, इस तरीके से, तो इस तरीके से एक टेबल बनेगा बच्चे हमारे पास। हमने क्या करना है, बस अब एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यूज आती रहेंगी हम इसमें पुट करते रहेंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बोथ ऑफ द स्टोर्स इज 4200। टोटल आइटम्स है 4200। चलो ये हमें पता चल गया, यहाँ लिख दिया मैंने साइड पे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंड द रेशियो बिटवीन द आइटम सोल्ड बाय स्टोर ए एंड स्टोर बी 3:4। ए और बी स्टोर 3:4 में बेचते हैं चीजें, मतलब ए स्टोर ने कितने आइटम्स बेची होंगी, 3 out of 7, 3/7 × 4200 ये स्टोर ए की आइटम्स होगी। इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1800, 1800। तो पहला स्टोर आइटम बेचता है 1800, तो मैं ए स्टोर की जगह पे क्या लिखूंगा, 1800 आइटम्स, 1800। तो बी का कितना आ जाएगा, 2400। बी का कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 2400 आ जाएगा। यहां तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ए इज 16 2/3% मोर देन फैन सोल्ड बाय दैट स्टोर। ए ने जितने फैन बेचे हैं, ए ने जो जो भी फैन बेचे हैं वो 16 2/3% ज्यादा है फैन बेचने के। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूज मैंने ऑलरेडी पुट करी हुई है, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। और मैं ये भी चाहूंगा कि इसके जो क्वेश्चन है वो आपने निकालने हैं, मैं आपकी सिर्फ हेल्प करूंगा इसमें ये चीज निकालने में। ठीक है, और जो आपको जो इसके नोट्स मिलेंगे, नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लॉ स्कूल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और इन क्वेश्चंस को दोबारा से भी निकालना है। तो मैं यही चाहूंगा, देखो होता क्या है कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट जब क्लैट की तैयारी करता है ना, तो ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो
क्वांट से डरते बहुत है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपने खत्म करनी है बिल्कुल, इसीलिए हमने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है कि आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हम अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएं। तो आपने बस हमारे साथ जुड़े रहना है, लाइक और शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बेस्ट हमारे पास यूट्यूब चैनल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल्ड लेवल पे करवाया जाएगा, ताकि जो अगर आपके आसपास अगर कोई मान लो आपको गाइडेंस नहीं है तो वो हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चे, ए इज 16 2/3% मोर देन द फैन सोल्ड बाय दैट स्टोर। तो यहां पे अगर मैं ए की बात करता हूं, यहां पे अगर मैं ए की बात करता हूं, तो ए ने जो मोबाइल बेचे हैं ठीक है, और जो फैन बेचे हैं उनका रेशियो क्या होगा? ये जो 16 2/3% होता है, याद करो आपको एक टेबल लिखवाया था, ये होता है 1/6। तो जब मोर लिखा हुआ हो तो हम इस 1/6 को क्या कर देते हैं, ऐसे ऐड कर देते हैं, तो 1+6 कितना हो गया, 7:6। तो ये चीज है जी कि ए में मोबाइल और फैन का रेशियो क्या है, 7:6। ठीक, उसके बाद क्या है कि टोटल व्हाइल द एसी सोल्ड बाय ए इज 80 लेस देन द फैन, फैन से 80 कम, वो क्या है एसी, एसी इज इक्वल टू फैन माइनस 80, जितने फैन होंगे उससे 80 कम होंगे एसी होंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय ए इज 77 7/9% मोर देन फैन सोल्ड बाय स्टोर ए, मतलब जितने एसी बेचे, जितने लैपटॉप बेचे गए हैं ए के द्वारा, वो 77 7/9% क्या है ज्यादा। अब ये आया कहाँ से है इसको समझना, ये आया है 1/9 से, 11 1/9 से, ये आपको लिखवाया हुआ है बच्चे, ये क्या होता है 1/9, लास्ट क्लास जरूर देखना सभी ने। तो 77 जाने के लिए इंटू 7 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 7 कितना हो गया, 7/9। तो 7/9 अगर मोर है तो रेशियो क्या बनेगी, 16:9। तो ये किसका रेशियो आएगा हमारे पास, सॉरी लैपटॉप एंड फैन का, लैपटॉप एंड फैन का, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन में क्या लिख रहा है कि टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय ए इज 540 लेस देन द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय ए, जो प्रिंटर बेचे हैं ना वो लैपटॉप से 540 क्या है, लेस हैं जी। ठीक है जी, समझ गए जी, प्रिंटर जो बेचे हैं वो लैपटॉप से क्या है जी, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंटर इज इक्वल टू लैपटॉप माइनस 540, समझ गए जी, ये हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है प्रॉपर, ये बन चुका है प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है समझो, आपको लग रहा होगा कि वैल्यू तो कोई आई नहीं, वैल्यू तो मैंने कोई लिखी नहीं यहाँ पे, तो अभी लिखूंगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको एक्स एक्स मान लूँ, सिर्फ इनको अगर मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ, तो बेटा फैन यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 9x है, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट नंबर शुड बी इक्वल। अगर मान लो फैन सेम है तो नंबर भी सेम होने चाहिए, तो सेम करने के लिए यहाँ मैं इंटू 3 करूंगा, यहाँ इंटू 2 करूंगा, देखो 9 × 2 होगा 18, 6 × 3 क्या हो जाएगा 18, तो मोबाइल कितने हो जाएंगे, 3 पूरा अंदर से मल्टीप्लाई होगा, मोबाइल होंगे 21x। ठीक है, ये हो गया मोबाइल, ठीक है, फैन होंगे 18x, ये हो गया फैन, उसके बाद लैपटॉप कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32x, लैपटॉप हो जाएंगे 32x प्लस, यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्रिंटर, तो प्रिंटर की वैल्यू क्या है, लैपटॉप से 540 कम, तो जितने लैपटॉप होंगे 32x उसका -540 करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चे ध्यान से जरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, प्रिंटर क्या होंगे लैपटॉप से 540 कम, तो ये प्रिंटर की वैल्यू होगी। ठीक है, प्लस एसी कितने होंगे, फैन से 80 लेस, फैन से 80 लेस, तो फैन कितने हैं बच्चे 18x, तो 18x माइनस 80, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लग गया ना पता, अगर किसी को लिखने में कोई दिक्कत हो तो ये इरेज करके लिख लेना। ठीक है, तो ये आगे टोटल मोबाइल फैन लैपटॉप प्रिंटर एसी, पांचों चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये किसकी है, ए की है, तो ए में टोटल कितना है 1800, अगर मैं सबका सम करता हूँ तो ये किसके बराबर होगा, 1800 के बराबर होगा, निकल जाएगा ना क्वेश्चन, अब एक्स की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, करके देखते हैं। चलो ये जो 540 माइनस का उधर जाके प्लस का होगा तो कितना हो जाएगा, 2340 हो जाएगा, और 80 भी जब ऐड होगा वहां पे तो 2420 हो जाएगा। हाँ जी, ये 540 और 80 कितना हो गया, 620 ना, तो माइनस का 620 उधर जाके प्लस का 620 होगा, तो प्लस 620 करोगे तो कितना बन जाएगा ये 2420, और इधर अगर आप करते हो इनको ऐड x वाली वैल्यूज को, तो
तो 21 प्लस 18 39 हो जाएगा, या फिर ऐसे करो 32 प्लस 18 कितना होगा 50, 32 प्लस 18 कितना होगा 50, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 21 121, तो 121 x इज इक्वल टू 2420। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो 2 से कैंसिल हो रहा है 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। बस यही चीज थी यहाँ पे, अगर x की वैल्यू निकल आती है तो देखो मोबाइल कितने है 21x, तो 21 इंटू 20 कितना होता है 420, ये आ गया मोबाइल। नेक्स्ट देखो जी फैन कितने हैं 18x, तो x की जगह पे 20 पुट करेंगे, 18 इंटू 20 कितना होगा 360, ये आ गया हमारे पास फैन 360 आ गया। फिर उसके बाद है लैपटॉप, लैपटॉप क्या है 32x, 32 इंटू 20 करेंगे कितना आएगा 640 आएगा, ये आ गया 640। ठीक है जी, वन सेकेंड, ठीक है लैपटॉप आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लैपटॉप के बाद क्या था प्रिंटर, प्रिंटर क्या है 32x माइनस 540, मतलब लैपटॉप से 540 कम है, तो लैपटॉप से अगर 540 कम है, 640 माइनस 540 कितना होता है 100, ये आ गया प्रिंटर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एसी बचा, एसी क्या है 18x माइनस 80, मतलब फैन से 80 कम, तो फैन से 80 कम है तो कितना होगा 280 होगा। तो हो गया ना सारी, ए की सारी वैल्यूज लिख दी हमने यहाँ पे, फिल कर दी है। अब नेक्स्ट तक बी की वैल्यूज क्या नंबर आएगा, बी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, टोटल फैन सोल्ड बाय बी इज 120 मोर देन फैन सोल्ड बाय ए, टोटल फैन सोल्ड बाय बी इज 120 मोर देन दी फैन सोल्ड बाय ए, तो 120 ऐड करो कितना आएगा 480, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाइल द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय बी इज 12.2% मोर देन लैपटॉप सोल्ड बाय ए। अब देखो लैपटॉप जो है ए ने कितने बेचे 640, और बी ने उससे 12.5% ज्यादा, और 12.5% क्या होता है 1/8, तो अगर 1/8 ज्यादा बेचे हैं तो 9/8 होगा वो, तो 9/8 करेंगे हम 640 का, तो ये कितना आ जाएगा जी 720, यहाँ पे आ जाएगा 720। ठीक है जी, ये चीज आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आगे मुझे इसको अब इरेज करना है, सारे को इरेज करने का टाइम आ चुका है, तो नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं कराया तो, प्लीज पॉज दी वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि मेन यही है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलिए तो इसमें क्या करना है, कहता बाकी कह रहा है कि जो मोबाइल है, जो एसी है और जो प्रिंटर्स हैं, उनका रेशियो क्या है 26:23:11। ठीक है जी, अब देखो बच्चे बचे कितने हैं जी, इन तीनों का सम बचा कितना है, अगर मैं मोबाइल एसी और प्रिंटर की बात करूं तो 2400 में से इन दोनों को माइनस करना है, तो 720 और 480 कितना होते हैं 1200 होते हैं, तो 1200 में माइनस करेंगे 2400 से, 1200 बचेगा, मतलब इनका जो सम है ये जो 60 आ रहा है रेशियो में, ये किसके बराबर है 1200 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करके आया होगा, 60 से अगर 1200 तक जाना है तो इंटू 20 करेंगे, तो यहाँ भी इंटू 20 कर दो, मोबाइल आ जाएंगे 520, एसी आ जाएंगे हमारे पास 460, और प्रिंटर कितने आ जाएंगे हमारे पास 220, प्रिंटर कितने आ जाएंगे हमारे पास जी 220। समझ आ गया सभी को ये चीज, बताओ अगर कोई इश्यू होगा तो, ठीक है कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। बाकी ये बन गया जी हमारा आप पूरा का पूरा टेबल, तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, जो पेपर की डिमांड है भाई, जो पेपर की डिमांड है वो वाला क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है जी, चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखो बच्चे आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी, क्या लिखा हुआ है कि टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर बी इज व्हाट परसेंट लेस देन दी टोटल मोबाइल एंड फैन टुगेदर सोल्ड बाय स्टोर ए। ठीक है जी, टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर बी इज व्हाट परसेंट लेस देन दी टोटल मोबाइल एंड फैन टुगेदर सोल्ड बाय ए, तो लैपटॉप बी ने कितने बेचे थे, बी के लैपटॉप थे 720। ठीक है जी, और कंपैरिजन किसका है, ए के मोबाइल और फैन का, ए के मोबाइल और फैन कितने हैं 420 और 360 कितने होते हैं 780, आपसे पूछा गया है कि ये कितना परसेंट कम है, तो बेटा जब कम की बात होती है तो हम माइनस करते हैं, 60 आ गया कम किससे 780 से, मल्टीप्लाई बाय 20।
तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये 1/13 हो गया, 13 × 7 होता है 91, 9 carry/13 आंसर आएगा 7 9/13%। और वैसे भी 7 वाला ऑप्शन एक ही है, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आगे आपको करने की इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय ए एंड बी। तो ए और बी के फैन का आपने एवरेज निकालना, तो एवरेज ऐसे निकलता है। ठीक है, तो फैन देखिए 360 और 480, 360 + 480/2, तो ये बनेगा जी 840/2 करोगे तो इट बिकम्स 420। ऑप्शन देखो, 420 वाला ऑप्शन नंबर 4 है जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप एसी प्रिंटर सोल्ड बाय ए एंड द सेम आइटम सोल्ड बाय बी। लैपटॉप एसी प्रिंटर, लैपटॉप एसी एंड प्रिंटर, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो एक तरफ ऐड करेंगे, करो यहीं पे ऐड कर लेते हैं ना, आंसर बाद में लिख लेंगे। तो 640 + 280 कितना होता है 920, और 1000 कितना होता है 1020, 1020। और यही चीज अगर मैं इधर ऐड करता हूं तो 720 और 480 कितना हो जाएगा 1180, 1180 और 220 कितना हो जाएगा 1400। तो अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस देखता हूं तो व्हाट इज आवर डिफरेंस हियर, तो डिफरेंस आ जाएगा 380 का। 1400 और 1020 में डिफरेंस कितना होता है 380 का। ठीक है जी, एक जगह होगा 1020 ए के, और बी के है हमारे पास 1400। तो द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 380। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। अब हम हमसे क्या पूछा गया है इसमें कि टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय बी स्टोर बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय ए। टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय स्टोर बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ प्रिंटर सोल्ड बाय ए। तो प्रिंटर प्रिंटर की बात हुई है, देखो बी के जो प्रिंटर सेल हुए थे दैट आर 220, मैंने अभी देखा था इसको, और ए के थे 100, तो कितने ज्यादा हुए हैं 120 ज्यादा हुए हैं आउट ऑफ 100, परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120%, आंसर आ जाएगा हमारा 120%। तो यही इस सवाल का क्या होगा जवाब होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द लैपटॉप एंड फैन सोल्ड बाय ए टू द मोबाइल एंड फैन सोल्ड बाय बी। भाई ए के हमने लैपटॉप और फैन देखने हैं, और बी के हमने मोबाइल और फैन देखने हैं। ठीक है जी, मोबाइल एंड फैन देखने हैं, तो लैपटॉप और फैन ए के, लैपटॉप और फैन ए के कितने बनेंगे 640 और 360, 1000 हो गया, ये 1000 हो चुका है। ऐसे मोबाइल और फैन देखने हैं बी के, मोबाइल और फैन, मोबाइल ये रहे और फैन ये रहे, तो 520 + 480 कितना होता है 549, और ये भी 1000 हो गया। ठीक है, ये भी कितना हो गया 1000 हो गया, तो ये आंसर रहेगा 1:1, कैंसिल हो गया ना आपस में, तो जब आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 1:1 रहेगा। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन थे बच्चे, आप कंपैरिजन करके देखना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, इनके जितना ही लेवल होगा, अगर इनसे ज्यादा नहीं है तो इनसे कम भी नहीं होगा, इनके बराबर का लेवल रहने वाला है, और मैं आपको लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे हाई लेवल ही करवाने वाला हूँ। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हम ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो हमारा लीगल रीजनिंग है, लीगल एप्टीट्यूड है, चाहे वो जीएस है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ आपको टू दी पॉइंट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा अलोंग विद दी पीडीएफ फाइल्स। तो पीडीएफ फाइल्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।